भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचतानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी। ये तुम्हारी भूलने की आदत जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अपनी आदत सुधारने वाला हम सब मारे जाएंगे। हाँ। हमारे हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर वेंकट हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर की पोस्ट खाली है, अगर मैं डॉक्टर वेंकट को खुश कर देता हूँ तो ये पोस्ट मुझे मिल सकती है। कैसे याद रखो, मुझे याद ही रहेगा दीदी। छोटी सी बात पे कोई रूठता शूटता है। दो मिनट सर, दो मिनट में मैं भूल जाऊंगी। प्यार से समझाती ना तो कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं होनी थी। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना, लेकिन इन बातों को तो भूल जाना ही अच्छा होता है। बुरा होगा अगर मैं भूल गई तो, बहुत बुरा होगा। ऐसा कर, तू अपने पति पर ना प्यार की बरसात करती रहे बस। बरसात नहीं, यहाँ बाढ़ आ जाएगी। मैं लिख लेती हूँ। एक मिनट सरू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी। हाँ क्या है दीदी? बहुत जरूरी बात है जो मुझे यकीन है कि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप मुझे याद दिलाते रहे। ऐसी कौन सी बात है? बहुत जरूरी बात है। वो जग्गू जी है ना? हाँ जग्गू जी है ना? हाँ हाँ है। फिर है ना, लेकिन मैं भूल गई। अब मैं मर गई, मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं हो सकता, बस तू ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर। ना ठंडा ना गरम, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। अगर दिमाग होता तो इतनी जल्दी बातें भूल जाती मैं। हाँ वो तो है। चल मैं तुझे याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। कोई पैसे वैसे की बात थी? पैसों की नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। किसी को फोन शोन करना था? कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन दीदी आप फोन कर लीजिए पागल खाने, उनसे कहिए मुझे आकर ले जाए। ऐसा मत कह मेरी बहन, मैं तुझे याद दिलाने की कोशिश करती हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ जगदीश पाड़ी तुझे कहीं बाहर ले जाने वाले थे? हाँ ये कुछ याद आ रहा है, बाहर जाने की बात थी। पिक्चर शिक्चर? नहीं पिक्चर तो नहीं। खाने छाने पर? याद आ गया। क्या क्या याद आ गया? आज जग्गू जी मुझे बाहर खाने पर ले जाने वाले हैं। सब कुछ अच्छे से याद आ गया। देखा मैं तो हूँ ही कमाल। लो जी ये बात तो मैंने तुझे वो याद दिलाई है जो तेरे साथ हुई है। मैंने तो लोगों को वो बातें याद दिला दी जो उनके साथ कभी हुई ना हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इतने दिनों बाद आज वो मुझे बाहर ले जाने वाले थे और मेरी शाम बेकार हो जाती अगर आप ना होती तो। लो जी मैं तो बचपन से बड़ी कमाल हूँ। आज मैं तुझे ऐसे प्यार करूंगी, ऐसे प्यार करूंगी कि जगदीश पाजी इंतजार करते ही रह जाएंगे। दीदी मेरा
कहने का मतलब वो तुझे देखते ही रह जाएंगे और आज की शाम तेरी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। नहीं दीदी, यादगार शामों में से एक होगी। तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना तो मैं भी भूल जाती हूँ। मैंने कहा जी मैंने इसे तैयार श्यार कर दिया है, देखिए कैसी लग रही है। कौन गंगा? सरू। कहाँ है? वहाँ है। वहाँ कहाँ? हाय हाय, लगता है आना भी भूल गई। ए सरू, दीदी आप भूल गई, मुझे तैयार करना है ना। हाँ, तैयार तो कर दिया और कितना तैयार श्यार करूँ। उमैया कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो सरू। आज रेस्टोरेंट में जाओगी ना तो वहाँ सारी औरतें तुमसे जलती हुई नजर आएगी। आज मैं इतनी खुश हूँ ऐसा लगता है जैसे महीनों नहीं सालों बाद जग्गू जी मुझे बाहर ले जा रहे हैं। वैसे पिछली बार तुम लोग बाहर कब गए थे? पिछली बार हम भूल गए जी। अरे लगता है जगदीश पाजी आ गए। शुरू शुरू तुम जाके दरवाजा खोलना, जगदीश को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हाँ जी जा। जाओ जाओ। कहाँ जी? दरवाजा खोलने। जग्गू जी जाओ। इसका कुछ नहीं हो सकता। गंगा भूल जाओ तुम। भूलने की आदत तो इसकी है। सरस्वती जी नमस्कारम। सर आप नमस्कारम, लेकिन जग्गू जी तो घर पर नहीं है जी। हमको मालूम है जी, वो एक ऑपरेशन में लटक गया। लटक गया? अटक गया, वो थोड़ा लेट आएगा जी। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम जाके सरस्वती जी के साथ में थोड़ा गप्पा मारता जी। गप्पा? हाँ जी। अच्छा तो आइए अप्पा। यार से बोला जी, चलो चलो ये देख ना दादर संभल के जरा। नहीं जी मुझे आदत है। नहीं जी हम अपने वाले को बोलता जी। आइए इधर आओ। आओ जी आओ जी आओ जी। अति सुंदर है जी। क्या घर है? दीदी ओम भैया ये उनके क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेंकट और ये मिसेस वेंकट। वेलकम जी। मैं कहा पड़की नहीं मतलब नमस्कारम। अच्छा नमस्ते नमस्ते। आप क्यों आए जी? आए इतनी जल्दी क्यों आए? जगदीश तो बाहर गया है। हमको मालूम है जी, लेकिन हम लोग तो अंदर है ना। हम लोग तो अंदर है ना। हाँ जी क्या बैठे ने कहा इधर? ना बैठिए ना। बैठ भी गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके मैं इसको बता कर आती हूँ भी ग्लास कहाँ पड़े हैं। ओह ओके। मैं क्या बता के आऊँ? अन्ना आयो आयो। क्या मैं बता के आता हूँ कि ग्लास में पानी कितना डाल रहा है। वो क्या वो क्या वो हम लोग इधर पानी पीने को आया कि खाने खाने को आया? वैसे तो खाना खाने को आया। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल। ओ तुम दोनों किचन में गाना गाने के लिए आई हो? अरे यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सोचो जरा क्या करें। देखो जी हम उन्हें साफ साफ कह देते हैं भी हमारी सरू को कहीं बाहर जाना है, आप लोग चले चले जाओ। इश नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, वो जग्गू जी के बॉस हैं, बुरा मान गए तो। और जगदीश के लिए प्रॉब्लम भी तो खड़ी कर सकते हैं वो लोग। वो तो बाद में खड़ी होगी, ये जो सजीता जी हमारे सामने खड़ी है इसका क्या करें। अरे आप दूसरों की प्रॉब्लम ही सोचते रहते हो, अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं सोचते हो। चिल्लाओ मत, बार बैठे बोलो, चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत। देखो हमें ना दिमाग से काम लेना पड़ेगा। भाई दिमाग? मैंने कहा जी मेरी माँ कहती थी भी गंगा तेरा दिमाग तो बहुत है और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जूझ मत किया कर, पर आज हमारे काका मसला आ गया है इसलिए मैं से जूझ करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूँ। नहीं गंगा अपने दिमाग से इतना मत जूझ, हम दोनों हैं हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ओके हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझ गई? समझ गई। क्या समझी? यही कि हम इनके ऊपर सांप छोड़ देते हैं, लो जी ये फिर भी नहीं पाओगे तो डंडों से इनकी पटाई करेंगे। गंगा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। है ना? तुम्हारा दिमाग तो बहुत है। हाँ जी। लेकिन कभी इसे जूझ मत करना। हाँ जी।
चुप करो। अरे यार जगदीश की डॉक्टर तो बंद करवाएगी ये, साथ साथ हमें भी जेल भेज देगी। देखो गंगा, उन लोगों को ना ऐसा धक्का मारना पड़ेगा जिसे उन्हें बुरा ना लगे, मतलब जोर का धक्का धीरे से लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सब हमें जग्गू जी के आने से पहले करना होगा, वरना सीनियर के आगे वो टीवी के साथ का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। चलो ऑपरेशन बॉस भगाओ शुरू। आपने मुझे बुलाया जी? वेंकट। अरे सुरैया बोला जी। हमको ऐसा काय को लगता कि इधर हमारा इंसल्ट होते जी, हमको इधर बिठा के ये तीनों किधर गायब हो गया? माफी शाफी चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। पानी चाय? चाय? चाय नहीं जी, चाय से भूख मरता ना। क्या जी, खाना खाने को होगा नहीं जी, फिर आप लोग बोलेंगे हमारे घर में आके आप लोग ने खाना भी बराबर नहीं खाया है। चाचा नहीं जी, इनका तो खाना खाने का प्रोग्राम है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। भाई साहब किधर जी? वो खिड़की के बाहर गए। ये बड़ी मजाकिया है, इसका कहने का मतलब है कि वो खिड़की पे खड़े होकर देख रहे हैं कि जगदीश पाजी अभी तक आए क्यों नहीं। हम खाली करो, हम खाली करो। घर खाली करो, चलो चलो घर खाली करो। मच्छर भागाया, मच्छर भागाया, मच्छर भागाया। मैं नहीं, मैं म्युनिसिपैलिटी की हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ मच्छरों को तुम तुम के मारने के लिए। अरे यार भलाई के काम में तो टांग मत अड़ा, उड़ जाना, उड़ जा। क्या हुआ? मामा मच्छरों से कह रहा हूँ, उड़ जा, उड़ जा। चलो जी, जहाँ मच्छरों की दवा मारनी है, 6 घंटे के लिए घर खाली करना पड़ेगा। खाली करो, खाली करो। तुसी बड़े मजाकिया हो जी, हम घर कैसे खाली कर सकते हैं? हमारे घर में तो मेहमान शेमान आए हुए हैं। आपको मेहमान कहने हैं कि जिंदगी, जिंदगी। फिर घर खाली करो और देखो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो कोई इसे फॉलो नहीं करेगा सीधा तेल डालेगा। तेल? तेल, 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 तेल। हाँ है, क्या कह रहे हो जी? जेल बोल रहा हूँ यार। अयो क्या बोले जी? मजबूरी है जी, मजबूरी है, घर खाली करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। चलो चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। वन मिनट जी, इधर आना जी, इधर आना, इधर आना जी। म्युनिसिपैलिटी में जब कोई स्पेशल काम के लिए किसी स्पेशल आदमी को भेजता है तो उसके साथ में एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड देके भेजता है। ये सब कुछ मालूम है, हम म्युनिसिपल हॉस्पिटल में डॉक्टर था जी, इंचार्ज था, हमको मालूम आई कार्ड आना जरूरी। सर बाजू की सोसाइटी में दवा मार रहा था, मच्छर आइडेंटिटी कार्ड लेके उड़ गया। बहुत बड़ा बड़ा मच्छर। अयो हमको सब मालूम, हमको सब मालूम। क्या ये म्युनिसिपैलिटी का आदमी नहीं? नहीं है ये तो चोर, चोर है, चोर। इसको पकड़ लिया, अभी पुलिस को फोन करो और इसको पुलिस के हवाले कर दो। देखा, देखा कैसा मच्छर की तरह उड़ के भाग गया चोर। बोला तो आप लोग जानते नहीं, मेरे को सब मालूम है कैसा भागा। सब मालूम आपको? अयो हाँ। अभी बहुत जोर का भूख लगा, जरा जल्दी जल्दी खाना बना के लाओ। अयो कितना जल्दी जल्दी लगा था खाना बनाने के लिए। अयो सरैया बैठो ना। अयो बहुत देर से बात नहीं किया जी, चाय की तरह रखे नहीं खाना। मैंने कहा जी आपका तो ये आइडिया शायद फ्लॉप हो गया। हाँ ये तो काफी दिमाग वाला है, ऊपर से कहता है खाना खा के ही जाऊंगा। खाने की लालच में अभी तक बैठा है, मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जग्गू जी के बॉस इतने भुक्कड़ निकलेंगे। आइडिया शाइडिया नहीं 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 गंगा नहीं दीजिए प्लीज, आप छोड़िए। सुन तो लो। अच्छा ठीक है सुनाओ, चलो बोलो। देखो जी जो बॉस है ना वो खाने के लालच में बैठा है, अगर हम ये लालच ही खत्म कर दें तो मतलब मतलब
कोई बात नहीं जी, जगदीश पहले बहुत गड़बड़ करता होगा लेकिन अभी बहुत सिंसियर डॉक्टर, सिंसियर लैड। अयो आप कहीं कुछ चिल्लाते जी? पता नहीं, मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था। इसे पूछो क्या क्या अम्मा जी? जी बहुत गड़बड़ शड़बड़ हो गई, बिल्ली खाना खा गई। क्या सारा खाना बिल्ली खा गई? मतलब इनके लिए जो खाना बनाया था सारा खाना बिल्ली खा गई? अरे कैसी औरत हो तुम, एक बिल्ली का ध्यान नहीं रख सकती? इतने भूखे मेहमान आए घर पर, भूखे भूखे मेहमान आए हमारे घर और इनका खाना बिल्ली खा गई। मैं क्या करूं जी, खिड़की शड़की खुली थी, मुझे पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे पता नहीं चला गंगा, सारी गड़बड़ कर दी तुमने, अब ये क्या खाएंगी, इनको तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। जी ऐसे ही जाना पड़ेगा। ओ आयो टेंशन नहीं जी, टेंशन नहीं लेने का जी। वो बिल्ली इतना सा बिल्ली कितना खाना खाएगा जी, इतना सा खा के भाग जाएगा? सब लोग का खाना थोड़ी खाएगा जी, कैसे बात करते जी? खाना बराबर है, वो थोड़ा सा खाके भाग गया बस। सही बोला जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ बिल्ली थोड़ी ना आई थी। अयो आपको कैसे मालूम कौन कौन आया अंदर? गंगा से पूछो, गंगा से पूछो। बोलना अम्मा बोलना, क्या कौन कौन? इसको पूछो कि गंगा भाभी क्या कुत्ता भी अंदर नहीं आया था? अयो कुत्ता पूछो, पूछो। कुत्ता कुत्ता लोग बिल्ली के पीछे उसका फ्रेंड कुत्ता आ गया, कुत्ते के पीछे उसका फ्रेंड बकरा आ गया, बकरे के पीछे उसका फ्रेंड हाथी आ गया। हाथी खिड़की से हाथी नहीं आ सकता, ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं हाथी नहीं आया जी, वो बस उसके ऐसा करके सूंड आई, सारा कुछ ऐसा करके लपेटा और अपने मुंह में डाल दिया। हाँ, खिड़की में बेचारे के दांत अटक गए, टूट गए। मेरे को एक बात बताना जी, ये आपके घर का खिड़की है क्या खिड़का? जो भी हो सारा खाना खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, आप जाइए। कोई बात नहीं जी, परवाह ले, टेंशन नहीं लेने का जी। घर में खाना खत्म हो गया, होटल खुला जी। फ्री होम डिलीवरी करता जी। मैं मेरे अभी नजदीक है, इधर पे जब आने तुम, मैं उधर नजदीक में मेरा फ्रेंड का होटल, साउथ इंडियन डिश सर, बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते सर, मैं फोन करके उसको ऑर्डर देता हूँ, खाना लेके इधर आता। होटल का फोन दे रहे डॉक्टर साहब? नहीं जी मोबाइल पे फोन करता है, दोस्त का मोबाइल फोन है। अयो सापड़े मेरा तो जी कर रहा है चिप्पू का मुंह तोड़ दूं। नहीं नानिका जी, तेरे बुल्लू सुन लेगा। इश मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? डोंट वरी सुरू, तुम्हारा प्रोग्राम होगा, जरूर होगा, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा लास्ट आइडिया बाकी है, मेरा ब्रह्मास्त्र। जब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। सॉरी, उस चिप्पू की दुनिया हिल जाएगी। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता जी। वो सर ये मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लगता, ये तीनों हमको इधर बिठा के अंदर बाहर पता नहीं क्या करने जाता, मेरे को लगता कुछ गड़बड़ है। अयो 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 क्या हुआ जी? अब यहाँ बताए, अभी अभी फोन आया कि मेरे मामा जी नहीं रहे। हमको भी उनके पास जाना पड़ेगा जी। उनके घर जाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। कोई बात नहीं जी, हम इधर ही रहेगा आपके पास में, आपका दुख बांटेगा जी, आपको छोड़ के नहीं जा सकता जी। हाँ जी, हमें तो अपने मामा जी के घर जाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं जी, हम भी आप लोगों के साथ आपके मामा के घर जाएगा। क्या है जगदीश का मामा मतलब हमारा भी मामा हुआ ना। अयो हम जाके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा जी। अयो मुर्गे दे क्यों रो रहा है मामा मेरा मरा है, तू क्यों रो रहा है? क्या हो गया जी इनको? मेरे को लगता है मामा के मरने के गम में पागल हो गए। पागल छागल तो आप हो
जगदीश बोला इधर जाके आओ खाना खाने में। अरे बाहर में गया जगदीश, बाहर में गया खाना, निकल यहाँ से। अयो निकल 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 छोड़ो, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, अब तो चले गए वो। चले गए कोई बात नहीं, बहुत बुरी बात है, वो यहाँ चिपके नहीं थे, उन्हें चिपकाया गया था। मतलब जग्गू जी ने उन्हें यहाँ खाने पर इनवाइट किया था। टॉगल भूल गई, मुझे लगा वो मुझे खाने पर ले जाने वाले। मर गए, दोनों का कोई प्रोग्राम बना ही नहीं था। जग्गू जी मर गए, मुझे भी मार डाले। अरे तुम दोनों के साथ साथ तुमने हम दोनों को भी मरवा दिया, अब उन्हें रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा तुम जगदीश का कुछ प्रोग्राम बन रहा है और वो प्रोग्राम कैंसिल ना हो इसलिए हमने ये सब किया सर। आइयो उसका प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम का सत्यानाश किया। मेरे गांव में वेरी सॉरी, व्हाट अ सॉरी, व्हाट अ सॉरी, अरे रियली सॉरी सर। अब भाई आइए आइए, चलिए चलिए। सॉरी सुरैया, सॉरी सॉरी सुरैया, आइयो मेरे सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, कितना गलती करेगा तुम। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर अंदर बोला कि क्या कर रहे हैं। आइए 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 आइए, सुरैया दादा से संभाल के चलो। हां जी, तुम तुम हमको को भुक्कड़ बोला, हमको को चिपकने वाला बोला, चिपकू बोला तुम मुझे। सर अप्पा भी तो बोला, अप्पा अप्पा बोला है, इसके लिए हम कितना खुश हुआ। और तुम हमें तुम्हारे घर का खाना सभी बिल्ली कुत्ता सब लोग आके खाते हैं, तुम्हारा घर का खिड़की कितना बड़ा है, आती सूंड डाल के खाना समेट के भाग भाग जाता है। नहीं पाजी, नहीं ऊपर से हमको पाजी बोला। अरे डॉक्टर साहब पाजी मतलब भाई। वेलकम वेलकम होम सर। थैंक यू थैंक यू, यू सी व्हाट हैपेंस टू यू। हम फ्रेंड्स, हमको घर में बुला के, खुद बाहर रहता, हमारे घर में भिखारी जैसा हालत किया तुमने। ये क्यों, सॉरी जग्गू जी मैं भूल गई, सोनू नहीं, सत्यानाश हो गया मेरा। कुछ नहीं होगा, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द हॉस्पिटल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं क्या होता है ऐसा, अरे छोड़ो मुझे। अरे जग्गू जी सॉरी फॉर दैट, सॉरी यार, सॉरी यार, जल्दी सॉरी यार। डॉक्टर साहब यार सॉरी, लेकिन किसी के रोने पे ऐसा हंसते नहीं है। क्या सर आप हंस रहे सर? अरे भैया सर को सब पता था, मैंने सरू के बारे में इन्हें पहले ही बता दिया। मैंने इन्हें पहले ही बता दिया कि सरू भूल गई होगी। और एक कॉलेज डेज में बहुत अच्छे एक्टर थे। I was a peeping actor. पाजी? बाय बाय। मैं दरवाजे में खड़े रहकर सब सुन रहा। हाँ नको क्या करो, जाके अभी खाना बनाओ, भूख बहुत जोर से। सर जल्दी से कुछ खाना बनाओ। अच्छा सर, सर के लिए बढ़िया सा खाना स्पेशल क्या बना के लाओ। क्या हो गया, क्या करना था जी? सर